कांग्रेस के भीतर एक बार फिर बवाल मच गया। कहीं और से नहीं बल्कि कांग्रेस के बीच में दरार दिखाई दे रही। जीतू पटवारी से इस्तीफा मांगने वाले नेता को नोटिस दिया है। कांग्रेस नेता अजय चौरड़िया को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। कांग्रेस उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चौरड़िया, जीतू पटवारी और भवन जितेंद्र के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। दोनों नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर चीजें और भी दिखाई दे रही। पर क्या कहा था अजय चौरड़िया ने, पहले सुनिएगा और फिर क्यों उनको नोटिस दिया, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस वक्त कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, जिसको लेकर इस समय सियासत भी गर्माई हुई है, सुनिएगा क्या कहा अजय चौरड़िया ने। इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की कार्यशैली, वर्तमान सरकार के साथ एडजस्टमेंट कर चलना और कार्यकर्ताओं को निग्लेक्ट करना, कार्यकर्ताओं की सुनना नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करना, वर्तमान और पूर्व विधायकों की नहीं सुनना, उनके साथ जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए जब ये लग गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी नहीं रही कि कंट्रोल किया जा सकेगा, 7 महीने के बाद भी आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी नहीं है। तो चलिए, आप सुन रहे थे अजय चौरड़िया को। लेकिन अजय चौरड़िया का जैसे ही बयान सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। और मौका क्या मिला, बल्कि कांग्रेस नेता अजय चौरड़िया की मांग पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही। अजय चौरड़िया ने जीतू के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान आ गया। उन्होंने जीतू पटवारी को नाइट वॉचमैन की करार दे दिया। अब समझ आ रहा है कि कांग्रेस छोड़कर लोग क्यों जाते हैं, ये आशीष अग्रवाल का कहना है। और आशीष अग्रवाल के बयान का मतलब भी ये निकाला जा सकता है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि आखिर कांग्रेस छोड़कर लोग जा क्यों रहे, ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं, कांग्रेस के भीतर कोई किसी को मानने वाला है नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा है आशीष अग्रवाल ने, सुनिएगा। मैं मानता हूं कि जीतू पटवारी सिर्फ कांग्रेस के इस खराब समय को काटने के लिए लाए गए हैं, इसीलिए मैं उनको नाइट वॉचमैन कहता हूं। तो वो थोड़ा सा ये समय काटने के बाद ना सिर्फ अपनी कार्यकारिणी घोषित करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, पर ऐसे ही अपने नाकामयाबी के कार्यकाल को और आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, तो वो कह रहा है कि ना तो कार्यकारिणी घोषित कर पाए हैं, ना ही कुछ हुआ, इसीलिए तो कांग्रेस के भीतर ये स्थितियां, बल्कि नाइट वॉचमैन की उपाधि दे दी उनको, बड़ी बात है। लेकिन दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे, राजपाल सिंह सिसोदिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, संतोष गौतम है मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहले संतोष गौतम जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, कब सुधरेंगे, आखिर क्यों कांग्रेस की तरफ से ऐसी खबरें आ जाती है, ऐसे बयान आ जाते हैं जो पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं। अजय चौरड़िया बहुत ही सीनियर लीडर है, लगातार कांग्रेस के समर्पित सिपाही के रूप में काम करते रहे, और इससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार इंदौर से ऐसी खबरें आती रही, इंदौर से जीतू पटवारी आते, ये तो बड़े मुश्किल बढ़ाने वाले बयान है, और फिर बीजेपी को मौका दे रहे हैं। जो कहा है उसके ऊपर पार्टी ने उनके ऊपर उनके कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और उनका जवाब मिलने के बाद पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। अगर उनमें उन्हें पार्टी से कोई असंतोष था, कोई बात रखना थी, तो पार्टी के बहुत से फोरम थे, और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है ये कहने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अजय चौरड़िया जी ने अपना बयान सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से दिया है तो पार्टी उस पर उचित निर्णय लेगी। तो ये माना जाए कि जिस फोरम पर उन्होंने रखा है, जिस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बात कह रहे हैं, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर ना रखते हुए खुद अपना प्लेटफॉर्म चुन लिया अजय चौरड़िया ने, निश्चित रूप से अगर उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। और केवल अजय चौरड़िया ही नहीं, अगर कोई भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा तो पार्टी उस पर कठोर कार्रवाई करने से देरी नहीं करेगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे राजपाल जी, कांग्रेस के भीतर जो दिखाई दे रहा है, आपके मीडिया के प्रभारी तो उन्होंने नाइट वॉचमैन कह दिया जीतू पटवारी को। नहीं, आशीष अग्रवाल ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है कि जीतू पटवारी जो है कांग्रेस का ही जो टाइम पास है, वो वास्तविक में नाइट वॉचमैन के लो या टाइम पास के लो, बात एक ही है। वास्तविक में जीतू पटवारी जी जो है वह खुद चुनाव हारे हुए व्यक्ति जो एक विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर कांग्रेस को जीता लाएंगे मध्य प्रदेश में, कितनी गलतफहमी है कांग्रेस की, कितनी गलतफहमी में है कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कि जो खुद नहीं जीत सका राव में, खुद चुनाव हारा अभी, वो व्यक्ति क्या कांग्रेस की वेतरणी पार लगा देगा। तो अब क्या तैयारी है, अजय चौरड़िया जी की भी तैयारी है, वो जिस तरह पीसीसी चीफ के खिलाफ मोर्चा खोल लिए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में तैयारियां तो नहीं है, चर्चा तो नहीं चल रही अजय चौरड़िया से?
नहीं अभी ये तो मुझे नहीं मालूम साहब कि अजय चौड़िया किससे बात कर रहे हैं, मैं तो जानता भी नहीं अजय चौड़िया जी को, पहली बार अभी ये बयान के बाद में मैंने उनका नाम सुना, पर वो सही कह रहे हैं, पर सही को सही भी कहना कांग्रेस के लोकतंत्र में शायद अलाउ नहीं है। अभी मेरे मित्र संतोष गौतम जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ बड़ा भारी लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र तो दिख रहा है कि उनके लोग सड़क पे आकर अपने प्रदेश अध्यक्ष की के बारे में वो खिलाफत करने का काम कर रहे हैं, उसी से उनका लोकतंत्र समझ में आ रहा है। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जीतू पटवारी जी का जो स्टेट है कांग्रेस का, कांग्रेस के जो वो स्टेट के अध्यक्ष है, उस स्टेट को कांग्रेस के अखिल भारतीय स्तर के एक कमेटी आई थी जिसका नाम था पुअर परफॉर्मेंस स्टेट कमेटी, तो कांग्रेस भी मानती कि पुअर परफॉर्मेंस है जीतू पटवारी का, पर अब क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी की जो जीतू पटवारी को ढोए जा रहे हैं, वो उनकी मजबूरी वो जा रहे हैं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जीतू पटवारी जी को कांग्रेस के लोग ही अपना अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं। संतोष गौतम जी जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी से, फिर और बने रहिएगा आप दोनों मेहमान मेरे साथ। अगली खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमें अनुशासन की सीख लेने की आवश्यकता नहीं, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में पार्टी के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं संतोष गौतम जी, जबकि पार्टी का लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में मौजूद नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि गोपाल भार्गव का बयान एक बार उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। इसके बाद आप सीताराम आदिवासी जो विजयपुर की विधानसभा से आते हैं और रामनिवास रावत की जगह टिकट मांग रहे हैं, उनकी बात आप देख लीजिए, जो दूसरे जो कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे भारतीय जनता पार्टी। संतोष गौतम जी, ये जो सब चल रहा है, आपने कहा कि हमने नोटिस दे दिया है, एक नेता आपके छोड़कर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चले जाते हैं, इंदौर में स्थिति आप देख रहे हैं, उसी इंदौर से एक नेता और सामने आ जाते, इसके पहले भी दो और नेताओं के बयान आ चुके, तो कहीं ना कहीं इस पर विचार तो आलाकमान को करना पड़ेगा। देखिए, हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं और हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और इस प्रकार से अगर जो कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है तो पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। अभी खुद उन्होंने कहा राजपाल सिसोदिया जी ने कि उन्होंने पहली बार अजय चौरड़िया का नाम सुना है, लेकिन मीडिया में हाइप बनाने के लिए, खुद को प्रासंगिक बने रहने के लिए अगर कोई इस प्रकार के बयान देता है तो ये उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से उसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। अजय चौरड़िया जी हाईलाइट में तब आए जब उन्होंने इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, वरना उन पर कौन चर्चा करता है। चलिए, आप बने रहिएगा दोनों मेहमान, एक और खबर, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त।